हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेतीबाड़ी है, इसीलिए लोग खेतीबाड़ी करके ही अपनी आजीविका कमाते हैं। हिमाचल की अधिकतर खेतीबाड़ी बारिश पर निर्भर करती है, इसीलिए यहां मानसून विशेष महत्व रखता है। बर्सर उपमंडल में अच्छे मानसून के चलते किसानों में अच्छी मक्के की फसल होने की उम्मीद जगी है। किसानों का कहना है कि पिछले कई सालों से मानसून ठीक न होने के कारण फसलें खराब हो जाती थी। पिछले कई सालों से किसानों को खेत की बिजाई और खाद के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस कारण किसानों को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ रही थी। मगर इस बार समय पर बारिश हो रही है, जिससे कि मक्के की फसल की खेत लहलहा रहे हैं और किसानों को मक्के की अच्छी फसल होने की उम्मीद जगी है और उनके चेहरे भी खिल गए हैं। किसान प्यारचंद का कहना है कि इस बार अच्छी बारिश होने के चलते मक्के की फसल की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 2-3 सालों से मानसून अच्छा न होने के कारण अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं ग्रामीण पुष्पा देवी का कहना है कि हिमाचल की अधिकतर खेतीबाड़ी बारिश पर निर्भर है, इस बार समय पर बारिश हो रही है, जिससे फसल अच्छी होगी। ग्रामीण रक्षा देवी का कहना है कि बारिश समय पर हो रही है, जिससे अच्छी फसल होने की उम्मीद है। अगर आंधी और तूफान नहीं आया तो मक्की की बहुत अच्छी पैदावार इस बार होगी। मानसून जो अच्छे चल रहे हैं तो हवा और तूफान ना आए तो अच्छी फसल हो सकती है, जिस वजह से किसानों को इस बार अच्छी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। अच्छा चल रहा है, समय पर बारिश हो रही है, जिस कारण मक्की की फसल अच्छी चल रही है। आंधी तूफान ना आए तो मक्की की फसल अच्छी होने की संभावना है। समय पर अच्छी बारिश हो रही है और हमारी मक्की की फसल अच्छी चल रही है। आंधी और तूफान नहीं पड़ेगा तो